मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बहन बेटियों को रक्षाबंधन का उपहार। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में कॉलेजों में बेटियों के प्रवेश पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत एक मुश्त 20,000 की राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं बेटियों को आश्वासित करना चाहता हूँ कि उनकी उच्च शिक्षा का भी पूरा प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस की भर्ती में महिलाओं को आरक्षण देने का विरोध हुआ था, लेकिन हमने इसकी परवाह नहीं करते हुए 30% इस वर्ग के लिए रिजर्व किया है। इतना ही नहीं, शिक्षकों की भर्ती में 50% पर महिलाओं के लिए आरक्षित करने का नियम भी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% सीटें महिलाओं के लिए बड़ी संख्या में आरक्षित रहेंगी। उसी का परिणाम है कि महिलाएं पंच, सरपंच, जिला पंचायत, महापौर, नगर पंचायत अध्यक्ष बनी हुई है। एक बार फिर उन्होंने यह दोहराया कि बहनों के नाम संपत्ति का रजिस्ट्रेशन अगर करवाना हो तो शुल्क 1% ही होगा। इस कारण बहनों के पक्ष में 10% रजिस्ट्री ज्यादा हुई। गुमशुदा बेटियों को सही सलामत घर लाने के लिए मुस्कान अभियान भी चलाया जाएगा। परेशानी अभी कम हुई है, खत्म नहीं। कृपया मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, यसडाडा न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।